दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो हमसे काफ़ी दिनों से कनेक्ट थे और उन्होंने हमें पेमेंट भी बहुत पहले कर दिया था, बट उनका मैं प्लान नहीं बना पा रहा था और उनको रिक्वायरमेंट भी हालांकि लेट थी, तो मैंने थोड़ा सा और समय डिले कर दिया। लेकिन आज उनका मैंने प्लान क्रिएट किया है, बहुत ही खूबसूरत प्लान। उन्होंने ऑलरेडी 2D प्लान पहले से कहीं से बनवा रखा था, मैंने केवल उनका 3D क्रिएट किया है और उसका साइज़ है 19x60, 19x60 फिट में उनका मकान बना हुआ है, और जो कि बहुत ही बेहतरीन आपके सामने लगेगा। लो बजट है, जो मॉडल आप लोग चाहते हैं वो मॉडल मैं क्रिएट करता हूँ और वो भी वैसा ही मॉडल उन्होंने बनवाया है। तो आज हम 19x60 प्लान को एलिवरेट करेंगे, जो कि डबल स्टोरी प्लान है और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर बना हुआ है। तो उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग ये प्लान पूरा क्रिएट किया है मैंने। अभी मैं आपको स्क्रीन पर पूरा प्रॉपर दिखाऊँगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा दें, इससे मेरे आने वाले वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर मॉडल आपको मैं लेकर आया हूँ, ये पूरा उनका प्लान है 19x60 का, जो कि ये 3 साइड ओपन है, मतलब कि ये तो बैक साइड ओपन है, ये साइड में ओपन है, ये फ्रंट उनका होने वाला है। ये टॉप व्यू देख सकते, सिर्फ एक साइड उनका क्लोज शायद है, मतलब कॉर्नर का प्लॉट है जहाँ पर 3 रोड निकली हुई हैं, वो वाला प्लॉट है इनका। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये पूरा प्लान डिजाइन किया गया है। तो ये देख सकते हैं, मैं जूम कर अगर आपको दिखा तो इसकी ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं, ग्रिल कैसी बनी हुई, गुमटी कैसी बनी हुई है, और ये जो आप देख रहे होंगे जाल सा, ये मैंने कवर्ड किया है, जाल से डिपेंड करता है ये आप क्या बनवाना चाहते हैं। ये फ्रंट डोर है, साइड से देखिए विंडो वगैरह दिया है, वेंटिलेशन दिया है क्योंकि यहाँ पर आपका जगह है, और पीछे भी आपका रोड है, इस वजह से यहाँ पर पूरा जैसे फ्रंट है वैसा ही एक आपका बैक साइड भी बनकर रेडी होता है। तो चलो इसके ग्राउंड फ्लोर को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। तो ये इसका मेन डोर है, आप जहाँ से एंट्री करेंगे, इधर एक गेस्ट रूम है जिसके लिए अलग से डोर, सेपरेट विंडो। ये स्लोप है जहाँ से आप अंदर जाएंगे, स्टेयर से आप अंदर जाते हैं तो आपको ये मिलती है सबसे पहले कार पार्किंग के लिए, इस पे कार पार्किंग के लिए जगह यहाँ पर देखती हूँ, वहीं से आपकी स्टेयर्स गई हुई हैं जिससे आप पर चढ़ेंगे और सामने की तरफ बाहर की तरफ आते हैं। वहीं ये गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में एक बाहर से डोर है, एक अंदर से भी डोर मैंने दिया है जिसे प्रॉपर आप एक्सेस कर पाएंगे, साइड से विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए। वहीं बात करें आगे बढ़ते तो ये आपका किचन एरिया है। इस किचन को दोस्तों एक्सेस करने के लिए पहले आपको इस मेन डोर से अंदर जाना होगा, इसके बाद आप इस किचन को एक्सेस कर पाएंगे। और इसका ये एक लेटरन बाथ बना हुआ है, एक लेटरन बाथ ही और है ये, लेकिन इस रूम से अटैच्ड है। तो जैसे आप आगे जाते हो तो आपको गैलरी के माध्यम से अंदर जाना होगा और ये आपके 2 बेडरूम मिल जाते हैं, जो अलग अलग यहाँ पर विंडो दिया है क्योंकि उस साइड रोड है तो वहाँ पर अलग विंडो है, और इधर भी आपके डोर दिए हुए हैं। वही बात करें अगर पीछे से बैक साइड से तो उसके लिए अलग से डोर यहाँ पर दिया हुआ है, और आपका ये पूरा देखिएगा, ये तो गैलरी का डोर है, ये बेडरूम के लिए डोर है, ये आपका विंडो का डिजाइन। तो ये देखिएगा यहाँ पर 3 बेडरूम बने हुए हैं, साथ साथ 2 लेटरन बाथ, एक अटैच्ड एक सेपरेट, और एक किचन, कार पार्किंग स्पेस, स्टेयर्स, गैलरी, बेहतरीन सा घर का नक्शा आपके सामने। ये देखिएगा बनकर रेडी होता है, जो कि 19x60 फिट में बना हुआ है, देख पा रहे हैं कॉर्नर का हाउस प्लान है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर आप जैसे पहुँचते हैं तो अंदर की चीज़ें बिल्कुल सिमिलर है, कोई किसी भी प्रकार का चेंजमेंट नहीं किया गया है, वही पूरा प्लान है। सिर्फ अगर बात के ग्रिल देखिए, ग्रिल का जो कॉम्बिनेशन है, जो रेलिंग बनी हुई है, वो स्लोप और रेक्टेंगल फॉर्म दोनों को कवर्ड करता है। वही बात करें इस जाल की तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपका एक जाल है जो कि जो आपका स्टेयर्स वाला एरिया है उसको ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए यहाँ पर जाल दिया है। पीछे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पर बालकनी आ जाती है, और पूरा सेम टू सेम वही 3 बेडरूम आपके किचन लेट बाथ बनकर रेडी हो जाता है। तो ये पूरा देख सकते हैं आप प्लान, मैं जूम करके और दिखाता हूँ और चीज़ें आपको समझ में आ जाए जैसे प्रॉपर तरीके से, तो आप देख सकते हैं। मैं बात करें लास्ट फ्लोर की तो लास्ट फ्लोर पर अभी कुछ खासा कुछ नहीं है, 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल और एक गुमटी जो कि आपको स्टेयर्स को ढकने के साथ साथ एक बेडरूम नुमा जगह को कवर करता है, और ये 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल। पीछे आप ग्रिल देख लीजिए कैसा बना हुआ है, इधर भी आप ग्रिल देख सकते हैं कैसा बना हुआ है। तो 19x60 का ये पूरा प्लान बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। तो ये मॉडल पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।